कल से मौसम ठंडा होने लग गया था। तो अभी हम नीचे मंदिर आ रखे हैं और यहाँ आंटी जी भी आ रखे हैं श्रीनगर से, और पीछे दादी जी हैं, मम्मी जी भी। कुछ कहना चाहते हो? हम ये कहना चाहते हैं, हम गंगा जी आ रखे हैं, अच्छा लग रहा है मौसम, बारिश भी आ रही है, अच्छा मौसम हो गया। मैं आज अपने बाबू के घर आ रखी हूँ। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी बाबू के घर जाना, आज बाबू के घर आ रखी हूँ, गंगा जी के आनंद ले रहे हैं। अब हम यहाँ पहुँच गए हैं नदी के पास, और आंटी जी और दादी जी यहाँ बैठे हुए हैं। अभी आपको आंटी जी सुनाएंगी कीर्तन। तो आंटी जी आ रखी हैं भक्तियाना श्रीनगर से, कमला आंटी, तो उनकी आवाज़ में आप कीर्तन सुनेंगे और दादी जी उनका साथ देंगी। तो अब आपको कीर्तन सुनाते हैं। भावना से ज्योति जला के देख लो, भावना से ज्योति जला के देख लो, प्यार से मैया को बुलाते देख लो। तब आंटी जी ने भजन सुनाया, तो आप बताओ कैसा लगा भजन आपको? बहुत अच्छा लगा आंटी जी का भजन। कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, आवाज बहुत अच्छी आंटी जी की। आज पहली बार मिली आंटी जी से। मोरी टूटी गए ना मोर ताला लगा चुन, मुड़ा माँ बाप उनका चौक माँ बैठी रोने लगा चुन। आप सभी को हमारा प्रणाम। आज के ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे हमारे घर के सामने अलकनंदा नदी है वो, और भी बहुत कुछ। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। आज है नेक्स्ट डे और श्रीकोट में भी खूब बारिश हो गई है, और उसके बाद का नज़ारा कुछ ऐसे है। सामने दिख रहा है चौरास। तो आज है नेक्स्ट डे और अभी शाम को बारिश होने लगी है थोड़ा, तो कल से मौसम ठंडा होने लग गया था। आज है नेक्स्ट डे और श्रीकोट में भी खूब बारिश हो गई है, और उसके बाद का नज़ारा कुछ ऐसे है। सामने दिख रहा है चौरास और अलकनंदा नदी में बहुत पानी आ रखा है, और यहाँ पे पानी के ऊपर दिख रही होगी धुंध, ये पानी के ऊपर धुंध सी बन रही है। तो अभी हम यहाँ पे जाएंगे अभी हम। तो अभी हम नीचे मंदिर आ रखे हैं और यहाँ आंटी जी भी आ रखे हैं श्रीनगर से, और पीछे दादी जी हैं, मम्मी जी भी। कुछ कहना चाहते हो? हम ये कहना चाहते हैं, हम गंगा जी आ रखे हैं, अच्छा लग रहा है मौसम, बारिश भी आ रही है, अच्छा मौसम हो गया, सुहाना मौसम हो गया, इसी वजह से हम जरा गंगा जी के सैर करने आ रखे हैं। सैर करने भी बहुत ज़रूरी है। अब दादी जी भी आ गए। दादी जी कुछ बोलना चाहते हो आप? दादी जी ये कह रही थी मतलब इधर गंगा जी यहाँ पे, यहाँ बहुत अच्छा व्यू आता है, और आजकल बरसात शुरू हो गई है तो इस तरह से बहुत ही सुंदर लगता है यहाँ पे। और अब सावन के सोमवार पे यहाँ बहुत अच्छा रहता है, मंदिर में भी खूब रौनक रहती है। अब भाभी जी हैं ऊपर। अब बस की नहीं है। अच्छा, गाय तो दे दी हमने, बच्चिया रखी है उसके लिए, इधर घास फूस लाएंगे, इधर खेत जाएंगे, इधर घास लाएंगे उस बच्ची के लिए। इधर अब नीचे जा रहे हैं थोड़ा घूमने के लिए। तो आंटी जी आपको यहाँ आके कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरा मन ये कर रहा है कि इन पहाड़ों में जीवन गुजर जाए, सौ सौ बार हम इन्हीं पहाड़ों में जन्म ले। कितना सुहाना लग रहा है हमारा पहाड़ है। हम जब भी मरेंगे उसके बाद हम पहाड़ों में जन्म लेंगे। भारत भूमि में हमारा जन्म होगा, उत्तराखंड में हमारा जन्म होगा, हम इसी में भगवान दोबारा जन्म ना दे तो अच्छी जगह देना, इसी पहाड़ों में देना जहाँ हमको सुहाना है हमारा पहाड़। ये हमारा चौरास है, इधर सारा ये सिंदरी गांव है, ये पहाड़, ये सारे सिंदरी गांव, ये डैम है इधर, वो सुहाना है। तो ये है सिंदरी ऊपर है, ये बद्रीनाथ हाईवे है, और यहाँ पे ये चौरास है,
और झील इधर से ही जाती है ऊपर से, फिर इसकी नहर है, झील इधर है और उसकी नहर इधर है। मंगसू का वहाँ है मंगसू। अच्छा उस तरफ। हाँ उस बड़े झाड़ी के ऊपर। अच्छा और उसके पहली तरफ बड़कोट है। अच्छा बड़कोट ठीक। मैं आज अपनी बाजू के घर आ रखी हूँ। हाँ मैं बहुत दिनों से सोच रही थी बाजू के घर जाना, आज बाजू के घर आ रखी हूँ। गंगा जी के आनंद दे रहे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा अपनी गंगा जी से देखकर बड़ा मन खुश हो रहा है। चलो भाई गंगा जी जो है। आंटी जी आप कहाँ से आए हो ये भी बताओ। श्रीनगर से आई बेटा, श्रीनगर भक्ताना से आई हूँ। अपनी भाभी के घर सिरकोट आ रखी हूँ आज। हाँ। यहाँ पे हमारी को क्यूट सी बेटिया मिल गई, वो हमारे वीडियो बना रही है। अच्छा। हमें भी अच्छा लग रहा है उसके साथ बात करने में। अब हम यहाँ पहुँच गए हैं नदी के पास और आंटी जी और दादी जी यहाँ बैठे हुए हैं। तो मम्मी पापा जी तो घर चले गए, तो अभी नदी में पानी बहुत ज़्यादा आ रखा है। तो अभी आपको आंटी जी सुनाएंगी कीर्तन। तो आंटी जी आ रखी हैं भक्तियाना श्रीनगर से, कमला आंटी। तो उनकी आवाज़ में आप कीर्तन सुनेंगे और दादी जी उनका साथ देगी। तो अब आपको कीर्तन सुनाते हैं। ऐसे आवाज़ मेरी इतनी अच्छी नहीं है पर चलो ऐसे बोल। अभी आंटी जी यहाँ कुछ बता रहे हैं। आंटी जी बोलो। मैं ये बताना चाहती हूँ बेटा, ये मैं अपने आप गुनगुनाती रहती हूँ, अपने आप बनाती रहती हूँ अपनी आवाज़ में। किसी को अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगेगा सुन लेना इस चीज़ को। आपने खुद ही लिखा है ना? हाँ खुद ही लिखा, खुद ही बोलती हूँ, खुद ही वो करती हूँ। हाँ। फिर ऐसे गुनगुनाती रहती हूँ, अपना टाइम पास इसी में करती हूँ। अच्छा। हाँ। तो आंटी जी ने खुद ही लिखी है आरती जो अब वो सुनाएंगे, और उसके बाद एक उत्तराखंड वाला गाना वो भी उन्होंने खुद ही लिखा है। भावना से जो जलाते चलो, भावना से जो जलाते चलो, प्रेम से मैया को मनाते चलो, प्रेम से मैया को मनाते चलो, भावना से ज्योति जला के देख लो, भावना से ज्योति जला के देख लो, प्यार से मैया को बुलाते देख लो, प्यार से मैया को बुलाते देख लो, शीश मैया का मुकटा सोए, शीश मैया का मुकटा सोए, लाल लाल बिंदिया सजा के देख लो, लाल लाल बिंदिया सजा के देख लो, प्यार से मैया को बुलाते देख लो, प्यार से मैया को बुलाते देख लो, भावना से ज्योति जला के देख लो, भावना से ज्योति जला के देख लो, प्यार से मैया को बुलाते देख लो, प्यार से मैया को बुलाते देख लो, कान मैया के कुंडल सोए, कान मैया के कुंडल सोए, लाल लाल नथनी सजा के देख लो, लाल लाल नथनी सजा के देख लो, प्यार से मैया को बुलाते देख लो, प्यार से मैया को बुलाते देख लो, गले मैया के हार विराजे, गले मैया के हार विराजे, लाल लाल माला पहना के देख लो, लाल लाल माला पहना के देख लो, प्यार से मैया को बुलाते देख लो, प्यार से मैया को बुलाते देख लो, भावना से ज्योति जला के देख लो, भावना से ज्योति जला के देख लो, प्यार से मैया को बुलाते देख लो,
प्यार से मैया को बुलाते देख लो हाथी मैया ए कंगना सोई हाथी मैया के कंगना सोई लाल लाल मेंदीरा चाके देख लो लाल लाल मेंदीरा चाके देख लो प्यार से मैया को बुलाते देख लो प्यार से मैया को बुलाते देख लो भावना से ज्योति जला के देख लो भावना से ज्योति जला के देख लो प्यार से मैया को बुलाते देख लो प्यार से मैया को बुलाते देख लो पैर मैया के पायल सोए पैर मैया के पायल सोए लाल लाल भावरी लगा के देख लो लाल लाल भावरी लगा के देख लो प्यार से मैया को बुलाते देख लो प्यार से मैया को बुलाते देख लो भावना से ज्योति जला के देख लो भावना से ज्योति जला के देख लो प्यार से मैया को बुलाते देख लो प्यार से मैया को बुलाते देख लो अंग मैया की साड़ी सोए अंग मैया की साड़ी सोए लाल लाल चुनरी उड़ा के देख लो लाल लाल चुनरी उड़ा के देख लो प्यार से मैया को बुलाते देख लो प्यार से मैया को बुलाते देख लो भावना से ज्योति जला के देख लो भावना से ज्योति जला के देख लो प्यार से मैया को बुलाते देख लो प्यार से मैया को बुलाते देख लो लाल लाल हलवा पूरी बना के देख लो लाल लाल हलवा पूरी बना के देख लो प्यार से मैया को खिलाते देख लो प्यार से मैया को खिलाते देख लो भावना से ज्योति जला के देख लो भावना से ज्योति जला के देख लो प्यार से मैया को बुलाते देख लो जय माता शेरा वाली तेरा सत प्रणाम तो आंटी जी ने और दादी जी ने खूब अच्छा कीर्तन सुनाया। तो यहाँ रोज शाम को आए रहते हैं बच्चे आंटी और सब घूमने के लिए। तो यहाँ पे हवा बहुत ठंडी ठंडी चलती है तो यहाँ का मौसम भी आजकल बहुत अच्छा हो रखा है। और ये अलकनंदा नदी है। उत्तराखंड का लोग सभी भैरव बसाचन परदेश नसाचन ओहो भैरव बसाचन परदेश नसाचन बुढ़िया माँ बाप उका चकमा बैठी रोने लगा छन बुढ़िया माँ बाप उका चकमा बैठी रोने लगा छन कोड़ी टूटी गैना मोर ताला लगा छन कोड़ी टूटी गैना मोर ताला लगा छन मुड़ा माँ बाप उका चकमा बैठी रोने लगा छन बुढ़ा माँ बाप उका चकमा बैठी रोने लगा छन बरसों बिटना आज नानो फोने का नोचे बरसों बिटना आज नानो फोने का नोचे पिताजी नानो मेरो भारी बीमार देवता दोषी लगा छन
पिताजी नौनो मेरु भारी बीमार देवता दोष लगा चन देवता निचन दोष बेटा हम दोष लगा चन देवता निचन दोष बेटा हम दोष लगा चन चौक बैठी हम आज रोने लगा चन चौक बैठी आज हम रोने लगा चन बरसों बिटन दुर्गा माता पांडा धरी छ बरसों बिटन दुर्गा माता पांडा धरी छ द्वार टूटी गएगी वो भी ओबरा चली एगी रे द्वार टूटी गएगी वो भी ओबरा चली एगी रे दैदादो को नाग राजा ब्यारा धरियो छो दैदादो को नाग राजा ब्यारा धरियो छो धूप धूपानी वे भी नीति उगी गसे गे धूप धूपानी वे भी नीति उगी गसे गे उत्तराखंड का लोग सभी बैरू बसाते उत्तराखंड का लोग सभी भैरू बसाचन परदेसु नसाचन बुढ़िया माँ बाप ओका चक माँ बैठी रोने लगाचन बुढ़िया माँ बाप ओका चक माँ बैठी रोने लगाचन बुढ़िया माँ बाप ओका चक माँ बैठी रोने लगाचन नौ का होटल नौ का कोठ बंगलो बैठा छन माँ बाप चौक तंबू तड़ी आज रोने लगा छन बुढ़िया माँ बाप चौक माँ बैठी रोने लगा छन उत्तराखंड का लोग सभी बैरू बसा छन परदेसु नसा छन ओ बैरू बसा छन अच्छी आ गया आपने तो अभी आपने आंटी जी की आवाज में सुना बहुत ही अच्छा भजन और यहाँ पे श्रोतागण भी है तो वो बताएंगे कैसा लगा उनको भजन तब आंटी जी ने भजन सुनाया तो आप बताओ कैसा लगा भजन आपको बहुत अच्छा लगा आंटी जी का भजन और उनकी आवाज कैसी लगी बहुत मीठी आवाज है उनकी सुरीली आवाज आप भी बताओगे आंटी कैसा लगा मुझे बहुत अच्छा लगा आवाज बहुत अच्छी आंटी जी की आज पहली बार मिली आंटी जी से बहुत अच्छा लगा अच्छा हाँ तो अभी सब यहाँ बैठे हैं यहाँ घूमने आते हैं सब तो आज भजन भी सुन लिया घूमने के साथ अभी सायरन बज रहा है आपको पता नहीं सुनाई दे रहा होगा या नहीं तो नदी में अभी इतना पानी है तो जब डैम में पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है तो ऐसे सायरन बजता है और फिर गेट खुल जाते हैं डैम के और पानी छोड़ते हैं तो यहाँ खनन का काम चलता है नीचे इसलिए सायरन बजाया जाता है पर अब तो हट गई हैं सारी खनन की गाड़ियाँ क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा आ गया है दो तीन बारिश के बाद ऐसे दिखता है श्रीकोट श्रीनगर और सामने है अलकनंदा नदी और इधर सामने दिख रहा है चौरास खूब बादल छा रहे थे और वो ऊपर दिख रहा है तैलेश्वर महादेव मंदिर आज है नेक्स्ट डे और सुबह गंगा जी का पानी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है तो ये अलकनंदा नदी है ऊपर अभी डैम से काफ़ी सारा पानी छोड़ा है तो दिखाती हूँ मैं कैसा लग रहा है अभी नदी में यहाँ तक पानी आ गया है तो कल हम आंटी जी के साथ कीर्तन का वीडियो सामने बना रहे थे जहाँ ये भैया खड़े हैं उसके थोड़ी सी आगे खड़े होके और अब इधर भी पूरा पानी भर गया है यहाँ से चलते हैं पापा जी मम्मी जी भी वॉक करने और नदी देखने आए हैं कैसा पानी आ रहा है तो यहाँ चट्टान तक आ गया है पानी
कल हम यहाँ पे बैठे हुए थे इधर की तरफ, और कल तो यहाँ सारा खाली था। हम यहाँ से यहाँ तक गए, फिर आगे बैठे थे इधर पे जहाँ पे पानी है, और अब सब भर गया यहाँ पानी से। और ये है हमारे यहाँ का चंद्रेश्वर महादेव मंदिर, इस तरह से है। और मंदिर के ठीक सामने यहाँ पे अलकनंदा नदी है, तो बस सावन में हम यहाँ से अलकनंदा नदी से जल लेके जाते हैं और शिव जी पे चढ़ाते हैं, तो काफ़ी अच्छा रहता है। यहाँ पे बहुत सुंदर मंदिर है। ये सामने जो ये बस जा रही है ट्रैवलर, ये बद्रीनाथ हाईवे है, और नदी यहाँ से घूमते हुए आ रही है डैम की तरफ से, यानी धारी देवी की तरफ से आ रही है नदी। और ये इतना पानी आ गया नदी में। यहाँ लकड़ी के साथ साथ कूड़ा भी आ रहा है, प्लास्टिक की बोतलें वगैरह सब, नदी अपने आप ही सफाई कर रही है। इधर इतना आ गया, ये तो लकड़ी जा रही है, ये यहाँ पे ये दिख रहे होंगे, ये बोतलें वगैरह जा रही हैं। तब प्रकृति खुद ही सफाई कर रही है। यहाँ भी काफ़ी भर चुका है, जबकि इस बार खनन जो हुआ था उसके बाद उधर बहुत सारा गहरा हो चुका था और पानी यहाँ पहुँच चुका है अब।